हेलो, तेरी महबूबा। अरे यहाँ कल रात से मेरी भैंस गायब हो गई, जो अभी तक नहीं मिल रही है, और तुझे फोन करना याद आ रहा है। एक बार वो भैंस ले जाने वाला मिल जाए बस। भला कौन है वो, हमें भी बताओ। यार यही तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन है। अगर पता चल जाए ना तो माँ कसम उस भैंस चुराने वाले को तो मैं ऐसी मार मारूंगा कि ना तो उसकी मर्दों में गिनती होगी ना हिंजड़ों में, बस एक बार हाथ लग जाए वो। वैसे मैंने गांव में सबको बोल दिया है, अगर किसी को पता चलेगा तो बता देगा। ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है। अरे यार तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? अगर किसी को बताऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? और इसका मतलब तो फिर मुझे तेरे को भी नहीं बताना चाहिए था। क्यों दोस्तों से छुपाते नहीं है? अच्छा ये बात है क्या? यार क्या करूं, जब से भैंस गायब हुई है मेरे तो दिल में दर्द चालू हो गया है। लगता है मरने वाला हूं मैं तो। तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे। अरे यार ये भैंस का दर्द है, जब तक भैंस नहीं मिल जाती ये दर्द नहीं मिटेगा। कोई असर नहीं होगा तेरी दवा से, कुछ नहीं कर सकती तुम इसमें। ना कुछ कर सके तो यार तू तो भले ही कितनी भी दुआ करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी दुआ से मेरी भैंस मिल जाएगी। क्या होगा तेरी दुआ से? तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो। सच में यार, फिर तो तुम जरूर दुआ करना, हो सकता है तेरी दुआ से मिल जाए। यार बहुत अच्छी भैंस थी, 10 लीटर दूध सुबह और 10 लीटर दूध शाम को देती थी वो। उसका दूध पी पी के ही तो बॉडी बनाई है मैंने। वैसे तूने किस काम से फोन किया था मुझे, क्या परेशानी है? अरे अब क्या हो गया, मेरी तो भैंस गायब हुई थी, तेरा पाड़ा गायब हो गया क्या? हो सकता है दोनों साथ में ही निकल लिए हो, बता क्या हुआ? प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। ओहो आजकल तो जहाँ भी देखो ये प्यार का सुरूर छाया हुआ है। वैसे प्यार में कुछ तो हुआ होगा ना, वो बता। कुछ तो होने लगा। अरे यार ये कुछ कुछ का तो रोग ही बुरा है साला। लेकिन तेरे कुछ में कुछ तो हुआ होगा ना, वो बता कि तेरे इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तकलीफ क्या है? मेरी नींद गई छे होने लगा। अच्छा तो तेरी नींद गई और चैन भी गया, मतलब अब तेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। तो तू ऐसा कर, पूरी रात मेरी भैंस को ढूंढा कर इधर उधर, कहीं मिल ही जाए। और अगर भैंस मिल गई तो 2 लीटर दूध शाम सुबह का तुझे पिलाऊंगा। वैसे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिल इतना जल्दी और इतनी फास्ट प्रोसेसिंग से दीवाना कैसे हो गया? क्यों होता है दिल दीवाना, दिल हमने जाना। तो मतलब तूने ये भी खोज कर ली है कि तेरा दिल दीवाना कैसे हुआ है? तो मुझे भी बता दे कैसे हुआ है। बातों ने तेरी जादू किया। हाँ भाई बातों में जादू तो होगा ही ना, आखिरकार हम भक्त किसके हैं? महाकाल के, मतलब भोले बाबा के। लेकिन यार फिर भी तुझे एक दो बार देखना चाहिए था मेरे को कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, बस एक बार में ही दीवानी हो गई तू तो। दिल हार बैठी पहली बार में। दिल हार बैठी तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मुझे सच सच बता कि तेरे को मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो डायरेक्ट तेरे दिल के तारों को टच कर देता है, बता। आपका ना दिल धड़काना, डांस दिखाना, मुझे सताना। होय होय के मरी जमा गुड़ी खा के, होय होय के मरी जमा गुड़ी खा के। यार बात तो तूने एकदम सही बोली है, लेकिन पहले तू कहीं साइड में जाके बात कर, तेरे पीछे से छन छन की बहुत आवाज आ रही है। चूड़ी मेरी। अच्छा चूड़ी बोल रही है क्या, फिर तो और जोर से बोलने दे। वैसे कल मैं तेरे घर की तरफ आ रहा हूँ, तो क्या लेकर आऊँ तेरे लिए? डोली लेके आना। यार तेरा सच में ही स्क्रू ढीला है, यहाँ मुझे मेरी भैंस नहीं मिल रही है और तुझे शादी करने की सोच रही है। पहले भैंस फिर शादी, बात करती है। दोस्तों अगर आपको भी कहीं मेरी भैंस दिख जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, मेरा मोबाइल नंबर है 56141334। आई रिपीट 56141334। ठीक है, रखता हूँ, बाय।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।